नमस्कार, मैं हूं गीता साव और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को राम लल्ला के दर्शन के लिए राम लल्ला दर्शन योजना भी हम लेकर आएंगे, जिससे राम लल्ला के दर्शन के छत्तीसगढ़ राम का नैनीहाल है, माता कौशल्य का घर है। अब भांजा जब अपने घर में निज घर में वापिस जा रहा है तो छत्तीसगढ़ वालों ने बधाई लेने के लिए जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। इसके अलावा भी ढेर सारे छोटी छोटी चीजों को एड्रेस करने वाले हमारे वादे हैं। हमने हर सीट का भी एक घोषणा पत्र बनाया है, हर संभाग का भी बनाया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इसका डिटेल अभ्यास कर हमारे संकल्पों को छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचाइए। और छत्तीसगढ़ की जनता को भी मैं आश्वस्त करने आया हूं कि हम सब भी जब भी चुनाव में आते हैं हमारा हिसाब लेकर आते हैं। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार आपकी बनाई हुई नई सरकार का हिसाब किताब लेकर आपके सामने आएगी, ये वादा करता हूँ।